नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जन सहायक पोर्टल ऐप सीएम मनोहर लाल ने लॉन्च की। शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल को भी लॉन्च किया। जन सहायक ऐप के जरिए हरियाणा के निवासियों को तमाम सेवाएं फोन पर मिल सकेगी। अब सुविधाओं के लिए जनता को नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी बाहर। मोबाइल के माध्यम से सेवाएं और अलर्ट मिल सकेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाएगा। कोरोना काल में डॉक्टर्स ने बड़ी भूमिका निभाई, उनका आभार जताता हूं जिन्होंने लाखों की जान बचाई। सीएम ने कहा कि ऑनलाइन की दुनिया आज एक अलग संसार बन गई है। अलग अलग सेवाओं के अलग अलग ऐप पोर्टल हैं। जन सहायक ऐप हरियाणा सरकार की तमाम सुविधाओं का एक गेटवे है। सीएम ने कहा कि ऐप के जरिए तमाम सुविधाएं मिलेगी। लोगों की सहूलियत के हिसाब से ऐप तैयार किया गया है, जिसे ऑपरेट करना बेहद आसान है। इज ऑफ लिविंग के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शहरी निकाय स्वामित्व पोर्टल में अब तक 16,000 लोगों ने अप्लाई किया है। ये संख्या आगे बढ़ेगी। अलग अलग युवा वर्ग के लिए अलग अलग छूट दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हर सप्ताह 1,000 एप्लीकेशन ली जाएगी ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। बेसमेंट और प्रथम तल के लिए अलग प्रावधान किया जाएगा, जिसमें कोई परेशानी न हो सके। सीएम ने बताया कि हिमाचल दौरे से प्रदेश में विकास के लिए तकरीबन 6,000 करोड़ की परियोजनाओं पर मोहर लगाई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलकर कई परियोजनाओं पर चर्चा कर मंजूरी ली गई। फरीदाबाद के खोरी गांव में मकानों को बचाने के लिए बुलाई गई महापंचायत में जमकर बवाल हुआ। पंचायत के दौरान नारेबाजी कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने बस्ती के लोगों पर लाठियां भांजी। करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चतुड़ी भी महापंचायत में आए थे। कृषि कानून के विरोध में बीते 7 महीने से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की झड़प बीजेपी समर्थकों से हो गई। यूपी गेट पर किसान आंदोलन स्थल पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद उनके और किसानों के बीच मारपीट हुई। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर खड़े थे। आरोपी की दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर वाहनों का काफिला जब किसानों के मंच के सामने पहुंचा तो किसानों और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, लिखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लाइनों की वजह सिर्फ कोरोना प्रतिबंध नहीं, असली वजह जानने के लिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल के रेट देखें। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए हैं कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई, सरकार उनके परिजनों को मुआवजा दे। ये मुआवजा कितना होना चाहिए ये खुद सरकार तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए में कहा है कि ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसमें कम से कम मुआवजा दिया जा सके। कोर्ट ने यह भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वो कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं उनमें सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। देश में कोरोना मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा केस सामने आए। 816 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 5 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 8,085 नए मरीज मिले, जबकि 8,000 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 231 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 101 से ज्यादा केस मिले। 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 1,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 78 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई। 160 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा।
करनाल में नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। कई पार्षदों ने बैठक का बॉयकॉट किया। पार्षदों ने अधिकारियों पर जनता के काम नहीं करने के आरोप लगाए। विश्व हिंदू परिषद ने भिवानी में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में हुए लव जिहाद को लेकर नारेबाजी की और उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। हिंदू परिषद ने सरकार से मांग की है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सरकार कानून बनाए और चेतावनी दी कि कानून न बनाकर सरकार बड़े धमाके का इंतजार कर रही है। सोनीपत में एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस चोरी मामले में अधिकारियों की मिली भगत सामने आई। गैस सिलेंडर में तराजू करने के दौरान 2 किलो गैस कम मिली। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने एजेंसी से मिली भगत कर जांच को बंद किया। खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच टीम ने शिकायतकर्ता का मोबाइल बंद करने का हवाला देकर मामला रफा दफा किया। विभाग के दोनों अधिकारियों ने मामले को दबाकर और जांच किसी दूसरी जगह से करके झूठी रिपोर्ट सौंपी। उपभोक्ताओं के एलपीजी सिलेंडर में गैस चोरी के लाखों रुपए का गड़बड़ झाला होने के लिए गैस एजेंसी को अधिकारियों ने जांच मापदंड में दुरुस्त बताया और शिकायत को जांच में शामिल तक नहीं किया गया। दलहन फसलें अब दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कृषि विभाग की पहल पर अब की बार दक्षिणी हरियाणा में दलहन फसलों की 3 गुना की बिजाई की गई। कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में 78,000 हेक्टेयर में बिजाई की गई है। अब की बार मूंग जैसी दलहन फसलों की बिजाई 10,000 से बढ़कर 30,000 हेक्टेयर की गई। कृषि अधिकारी ने कहा कि अब की बार दक्षिणी हरियाणा के किसानों ने भी जागृति आई है और उन्होंने दलहन जैसी महंगी बिकने वाली फसलों की बिजाई शुरू की, जिससे विदेशों से दालों का आयात नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। यमुनानगर पहुंची हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज ने कहा कि सेफ हाउस में युवती का सुसाइड करना गंभीर मामला है, इसे लेकर उन्होंने एसपी से बातचीत की। प्रीति भारद्वाज ने कहा कि सिस्टम में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। अब महिलाओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी स्थापित किया गया है, कोई भी शिकायत उस ग्रुप में कर सकता है। हरियाणा राज्य टॉक्सी ब्यूरो ने राज्य अपराध शाखा में तैनात सब इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हिसार से गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी पानीपत में किसी केस में जांच करता था। मामले में शिकायतकर्ता का नाम केस से निकालने के एवज में रुपये मांग गए थे। शिकायतकर्ता ने मामले की सूचना राज्य चौकसी ब्यूरो को दी थी। कुरुक्षेत्र में एक ही रात में 3 अलग अलग हत्याओं में दहशत फैल गई। अमीन गांव, एनआईटी के समीप और लक्ष्मण कॉलोनी में मर्डर केस हुआ। तीनों ही मामले में जांच में जुटी है पुलिस। अमीन गांव में खेत के बाड़े में सोए व्यक्ति पर तेज धार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। एनआईटी के पास हत्या के बाद शव नाले के अंदर मिला, जबकि लक्ष्मण चौक पर देर रात युवक की जान ले ली गई। लक्ष्मणगढ़ की सुभाष कॉलोनी में शराब पीकर लोगों के घरों के सामने गाड़ी के शीशे और बाकी जरूरी सामान तोड़ने वाले 2 शरारती तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके 3 साथी अब भी फरार चल रहे हैं। पुलिसकर्मी की माने तो उनके पास से पिछले कई दिनों से स्थानीय लोगों की शिकायतें आ रही थी कि उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि करीब 5 लोगों का गिरोह इस काम को अंजाम दे रहा है। सोना में घर के सामने खड़ी कार को 3 युवकों ने ताला तोड़कर चुराया। पुलिस ने मामले में अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोहना में वाहन चोर जमकर आतंक मचा रहे हैं। 1 सप्ताह में करीब 5 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी वाहन चोर का सुराग नहीं जुटा पाई। सिरसा के हुड्डा सेक्टर 19 में बने हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में छुपे बदमाशों में से एक ने खुद को गोली मार ली, जबकि 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने चोर गिरोह को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। मृतक आरोपी रतिया का रहने वाला था। मृतक हत्या के मामले में वांटेड था। पुलिस को सूचना मिली थी कि फ्लैट में कुछ बदमाश छिपे हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने दबिश दी। अंबाला शहर में होलसेल कपड़ा मार्केट में आग लगने से अपना कहर बरपा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने देखते ही देखते 3 मंजिला शोरूम में चंद मिनटों में ही राख के ढेर में तब्दील कर दिया।
आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और लगभग डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचे दुकान मालिक रोते बिलखते नजर आए। सोनीपत में प्रेम प्रसंग में दिल्ली के संदीप की हत्या हो गई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। अवैध संबंधों के चलते किरायेदार युवक के साथ मिलकर पत्नी ने हत्या कराई थी। तीसरे आरोपी की अभी तलाश जारी है। पुलिस को गांव नहरा में नहर की पटरी पर युवक का शव मिला था। परिजनों ने बताया कि वो किसी काम से घर से गया हुआ था और वापस नहीं लौटा। कोसली पुलिस ने युवक से 540 ग्राम गांजा बरामद किया। कोसली नठेड़ा रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान युवक से गांजा मिला। पकड़ा गया आरोपी झज्जर का रहने वाला। रानिया के गांव जीवन नगर में निजी बस व्यक्ति के ऊपर चढ़ गई। घायल व्यक्ति को सिरसा रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झज्जर के अंतिम छोर पर बसे गांव बहु के पास एक कार ट्राली से जा टकराई। इस भीषण हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शवों को झज्जर के नागरिक अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने ट्राला चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया। जिंदे के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अगले 10 दिनों में प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद ऑक्सीजन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। सिविल अस्पताल में स्थापित होने वाला ऑक्सीजन प्लांट एक मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। प्लांट शुरू हो जाने के बाद जिंद में कोरोना या दूसरी मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नए बिल्डिंग में पहले ही ऑटोमेटिक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, जिसमें पूरी बिल्डिंग में ऑक्सीजन का ऑटोमेटिक सप्लाई होता है। इस प्लांट में पानीपत की IOC की रिफाइनरी से ऑक्सीजन गैस टैंकर में भरा जाता है। फरीदाबाद DC यशपाल यादव ने कहा कि सरकार और प्रशासन के सहयोग से जिले में कोरोना संक्रमण को काबू में पाया गया है, लेकिन अब तक संक्रमण का खतरा टला नहीं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी। DC ने कहा कि जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मरीज सामने आया, लेकिन अब वो पूरी तरह स्वस्थ है। उनके परिवारों की भी जांच की गई, सभी सुरक्षित है, किसी में लक्षण नहीं पाए गए। DC यशपाल यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण से किसी भी लहर से निपटने के लिए वैक्सीनेशन सबसे कारगर उपाय है। जिले में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। बाजारों में बढ़ती भीड़ को लेकर DC ने कहा कि ये चिंता का विषय है और जिला प्रशासन इससे निपटने के लिए कारगर कदम उठा रहा है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद को आगे आई बेटियां। 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के दौरान लोगों को करेगी जागरूक। मनाली से शुरू होकर लेह लद्दाख होते हुए श्रीनगर में समाप्त होगी ये साइकिल यात्रा। जिला उपायुक्त हरी झंडी दिखाकर साइकिल को रवाना करेंगे। रोहतक शहर के सेक्टर 25 की झाड़ियों में एक युवक का अर्धनग्न हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं मिला, सिर पर चोट के निशान मिले और शरीर पर डंडों के निशान पाए गए। प्राथमिकी तौर पर शव को हत्या कहीं और कहीं शव को यहां पर फेंक दिया गया। फिलहाल अब तक पुलिस शव की पहचान नहीं कर पाई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ में किराना व्यापारी से नीरज भवाना ग्रुप के नाम से 50 लाख की फिरौती की मांग की गई। आरोपी ने कहा कि रुपये नहीं दिए तो बेटे और बाप दोनों को धमकी दी गई जान से मारने की। पुलिस ने जिस नंबर से फिरौती के लिए फोन आया था उसकी पहचान कर ली है, लेकिन फिरौती मांगने वाले व्यक्ति के घर छापेमारी करने घर वो नहीं मिला। पुलिस आरोपी की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। फिरौती के मामले में व्यापार मंडल के व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया।
रेवाड़ी के गांव करावर में प्रजापति समाज ने अपने ही समाज के कुछ लोगों पर मिट्टी के बर्तन पकाने की जगह पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को शिकायत दी। प्रजापति समाज के लोग कच्चे मटके लेकर जिला सचिवालय पहुंचे। लोगों ने जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की, कहा कि जल्द से जल्द जमीन पर कब्जाधारी लोगों को हटाया जाए जिससे उनका गुजारा हो सके। सिरसा में रजिस्ट्री में हो रही आवश्यक देरी को लेकर प्रॉपर्टी डीलर्स में रोष है। प्रॉपर्टी डीलर्स ने नगर परिषद के सामने धरना दिया और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि नगर परिषद के पोर्टल में गड़बड़ी के चलते देरी हो रही है। हाउस टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज भरने के बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा। अधिकारी पिछले 5 महीने से चक्कर कटवा रहे हैं। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सीसर खास गांव की खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की मदद दी। स्ट्रेंथ वेटलिफ्टेंट की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है सुनीता। 10,000 रुपए हर महीने डाइट के लिए देंगे बलराज। सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों को राहत देने वाला बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य 31 जुलाई तक वन राशन वन नेशन कार्ड लागू करें। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और एनआईसी 31 जुलाई तक असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करें। पाटनी में पुलिस ने युवक का शव बरामद किया। युवक 3 दिन पहले लापता हो गया था। परिजनों ने दोस्तों पर आरोप लगाए। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरसा के मुख्य डाकघर के पास एक बार फिर अचानक आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आगजनी में किसी को नुकसान नहीं हुआ। डाकघर के पास कूड़ादान बना हुआ था, कूड़े में आग लग गई जिसे तुरंत बुझा दिया गया। गोहाना में बदमाशों के हौसले बुलंद है। डीजे बजाने वाले युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। चारों युवक डीजे बजाने का काम करते हैं। आरोपी ने 2 दिन पहले ही महम रोड पर बिजली घर के पास घात लगाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। रोडवेज महानिदेशक ने सभी रूटों पर बसें चलाए जाने के निर्देशों पर रोडवेज कर्मचारियों ने सवाल उठाए। बसों की कमी के कारण कैसे चलाई जाएगी सभी रूटों पर बसें। सिरसा रोडवेज में 240 बेड़े में केवल 100 बसें ही उपलब्ध हैं। फिलहाल विभिन्न रूटों पर चलाई जा रही हैं 90 बसें। रोडवेज के बेड़े में नई बसों को शामिल करने के लिए कई सवाल उठाने की मांग की गई। कर्मचारी नेता ने 14,000 नई बसें बेड़े में शामिल करने और मैकेनिकल स्टाफ भर्ती की मांग उठाई। इंद्री हल्के के कई गांवों के लोगों ने बिजली घर पहुंचकर नारेबाजी और रोष जाहिर किया। खेतों में पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं पहुंचने से लोगों में गुस्सा। किसानों ने खेतों में पर्याप्त बिजली नहीं देने पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि 15 दिन में बिजली सप्लाई सिस्टम सही नहीं है जिससे धान के सीजन में दिक्कतें आ रही हैं। फतेहाबाद में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 4 देशी पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। डीएसपी ने कहा कि गांव में झोपड़ों के चलते आरोपी युवक लेकर आए थे हथियार। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फरीदाबाद में पिछले 10 महीने से नगर निगम के करीब 1700 ट्यूबवेल का रखरखाव करने वाले ठेकेदारों की पेमेंट न मिलने से लोगों का पानी सप्लाई ठप होने का खतरा मंडराने लगा। ठेकेदारों ने साफ कहा कि जब तक पानी की आपूर्ति नहीं होगी तब तक दिक्कतें आएंगी। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोगों की सरकार है इसलिए लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा धर्म है। ठेकेदारों की पेमेंट भी होगी और पानी की दिक्कतें भी नहीं होंगी। फरीदाबाद के ओल्ड चौक पर पास एक निजी कंपनी में भीषण आग लगी। कंपनी की गोदाम में रखे केमिकल के ड्रम में आग लगी। मौके पर दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गोदाम के पास खड़ी एक कार और स्कूटी में जलकर राख हो गई। आग लगने से कंपनी का सारा सामान जलकर खाक हुआ। जांच के बाद पता चलेगा कि आग किन वजह से लगी। सोनीपत की सीआईए वन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सागर की गोली मारकर हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान दुष्यंत उर्फ दीशु सोनीपत की इंडियन कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है जिसे
अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया। रोहतक में बदमाशों का आतंक है। बदमाश 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर आपसी रंजिश में करीब 10 बदमाशों ने हमला किया। गोली लगने से युवक घायल, पीजीआई रेफर। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। केंद्र सरकार के नए आईटी रूम को लेकर खींचतान का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित संसद के स्थायी समिति के समक्ष फेसबुक और गूगल के इंडिया के प्रतिनिधि पेश हुए। संसदीय समिति ने फेसबुक और गूगल इंडिया में दो टूक कहा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत सरकार के कानून और नियमों का अनुपालन करना होगा। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन आपात इस्तेमाल के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है। सिप्ला में अब वैक्सीन का आयात भारत में कर सकेगा। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद अब मॉडर्ना चौथी वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी मिल गई। DCGI ने 1 जून को ही विदेशी वैक्सीनों के लिए नियमों में ढील दी थी। DCGI ने बताया कि अगर किसी वैक्सीन को अमेरिका, यूरोप, यूके, जापान में मंजूरी मिल जाती है तो उसे भारत में ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। कोरोना महामारी के कारण T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत में बजाय UAE और ओमान में खेला जाएगा। ICC ने कहा कि BCCI टूर्नामेंट का मेजबान रहेगा, जो अब दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान क्रिकेट एकेडमी मैदान पर 17 अक्टूबर और 14 नवंबर 2021 के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के पहले दौर में 8 क्वालिफाइड टीमें भाग लेंगी, जो ओमान और UAE में खेला जाएगा। इनमें से 4 टीमें सुपर 12 दौर में पहुंचेगी। आगामी टूर्नामेंट 2016 के बाद पहले T20 विश्व कप होगा। पहली बार वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता था।